हरे कृष्णा हरि बोल। और भी छोटा था निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि बोल। चाय हरि की जय। देखो बड़ा काम नहीं करते छोटा काम। हरे कृष्णा ओ मैं क्या मेरा भक्त क्या ना जन सला गया चक्षुर उन्मिलिता मुझे न तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के राधा पदांग विलस मधुरा स्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बलिके राधा विहार विभिने रमतांग मनो में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में आवाज आ रही है पीछे गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम बिहार बने जहाँ पर कृष्ण विशेष करके उनकी सख्य रस की बिहार है, दूसरा है बात्सल रस की बिहार है और तीसरा है इनकी श्रृंगार रस की बिहार है। इसलिए यहाँ पर तीन तरह का बिहार है। इसलिए जो ठाकुर जी को दर्शन किया है ये ठाकुर जी का नाम भी श्री बिहारी है, श्री बिहारी राधा बिहारी। और ये जो कुंड दर्शन किया है ये कुंड का नाम भी बिहारी कुंड है। इसलिए कृष्ण यहीं पर सखाओं को साथ में कृष्ण गैया चराने के लिए आते थे और इसी कुंड में सखाओं को साथ में बिहार करते थे। और कभी कभी ब्रज गोपियों को साथ में भी राधा रानी को साथ में भी इसी कुंड में बिहार करते थे। इसलिए ये कुंड का नाम बिहार कुंड है। इसलिए अभी महाराज जी बता रहे थे ना अभी जब हम गुरु जी को साथ में आते थे वहां पर कुछ वृक्ष होता था बड़ी सुंदर कुंज जैसे जिसको पर बड़ी सुंदर लताएं हैं बड़े सुंदर लताएं चढ़े हुए थे। गुरु जी उसी समय बहुत कम लोग होते थे, कभी कभी एक बस कभी कभी दो बस लेकर के हम आते थे। इसलिए वो कुंजों को नीचे हम बैठ करके गुरु जी को साथ में वहीं पर हम कथा श्रवण किया करते थे, वहीं पर कथा सुनते थे। इसलिए यहाँ पर अभी भी थोड़ा अंदर में जाओ देखोगे एक तमाल वृक्ष है एक कदम वृक्ष है एक तमाल वृक्ष एक कदम वृक्ष। कहते तमाल वृक्ष कहते ये कृष्ण का स्वरूप है। कहते श्री कहते जो कदम वृक्ष है कहते ये श्री राधा रानी का स्वरूप है। इसलिए अभी भी इन लोगों ने अभी ये वन को रक्षा किया है चारों तरफ में घेराव दे करके क्योंकि धीरे धीरे तो सारे वन खत्म हो गया। लेकिन जब कृष्ण जिस समय प्रकट समय में उसी समय तो जिस समय गोपियां कहती हैं जयती तिथि का जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा करती हैं। जिस समय कृष्णा इसी जगत में आते हैं उसी समय तो ये वृंदावन लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बन जाती है। इसलिए हमें पता है एक वृक्ष में एक तरह का फल होता है लेकिन इसी वृंदा देवी कृष्ण सेवा के लिए एक वृक्ष में सारे फल प्राप्त होता है।
एक वृक्ष में जुई चमेली बेली कहते कि एक वृक्ष में सारे फूल उपलब्ध होता है और एक वृक्ष में सारे पत्ताए भी एक वृक्ष में उपलब्ध होता है। इतना सुंदर वृंदा देवी इसको सजाती हैं, इसलिए ब्रज गोपियां अपना दिव्य नेत्र में घर में बैठी बैठी करके कृष्ण कैसे सखाओं को साथ में लीला विलास करते हैं, बैठी बैठी करके अपना दिव्य नेत्र से वर्णना करती हैं। बोले अटती जत भवान नन्ही का नाना अपना दिव्य नेत्र से वर्णना करती हैं। कृष्ण जब सखाओं को साथ में गैया चराते हैं, कहते वृंदावन के नुकीले नुकीले पत्थर और कांटे कांटे वृक्ष होता है, कृष्ण को कितने कष्ट नहीं होता होगा। जिन चरण को हम अपना वक्ष स्थल में धारण करने के लिए हमें कष्ट होता है, कृष्ण केवल हमको कष्ट ही देना चाहता है और कुछ नहीं। इसलिए कृष्ण उसी कठोर पत्थर को पर चरण रखते हुए कितना कष्ट होगा। फिर कहते बोले क्यों, जिस समय कृष्ण सखाओं को साथ में गोचारण करने जाते हैं उसी समय कठोर पत्थर नहीं, वहां पर तो स्वयं गिरिराज गोवर्धन ये वृंदावन धाम अपना जीवा का निकाल देती है, उसको ऊपर मारो संतो लोग तो अपना हृदय को ही यहाँ पर बिछा देती है, संतों के हृदय के ऊपर में कृष्ण का चरण पड़ता है। और गोपियां कहती हैं बरबरा पिडम नटवर बपुहु करनयो कर्णिकारम विप्रत पास कनक कपिसयम वैजयन्ति च मालं रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। गोपियां घर में बैठी बैठी करके अपना दिव्य नेत्र में दर्शन कर रहे कृष्ण कैसे विहार करते हैं। बोले बराहा पीड़म, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, बोले कृष्ण का केस कैसे है, बोले एकदम कुचुड़ाली एकदम काले काले कृष्ण का केस है, काले घुंघुड़ाली केस है। फिर उसको ऊपर में मैया जसोदा मणि मुक्ताओं को द्वारा सुंदर श्रृंगार करती हैं, उसको ऊपर फिर मयूर पंख लगा देती हैं। वो कैसे लगता है, जैसे काला मेघ जिधर होता है ना, अगर रिमझिम बारिश ही हो देखना दूसरे तरफ में इंद्रधनुष आता है, उसी तरह मयूर पंख में देखना उसमें सुंदर इंद्रधनुष है। इसलिए कृष्ण बड़े सुंदर मयूर पंख को लगा कर रखे। बोले बरहा पीडम, बोले कृष्ण ये मयूर पंख क्यों लगाए, चूंकि उसमें श्री राधा रानी का उसमें नाम लिखा हुआ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये मयूर पंख को कृष्ण क्यों धारण करते, बोले कारण है ये मयूर कब नृत्य करता है, जब आकाश में काला मेघ छा जाए और वहां पर बिजली चमके और गड़गड़ गड़गड़ शब्द हो तभी ये मयूर नृत्य करता है। अभी कृष्णा जब बिहार वन में बड़ी सुंदर बंसुरी बजाए, कृष्ण का रंग कैसे एकदम घन मेघ जैसे, कहते उनके शरीर में पीतांबर कैसे जैसे बिजली चमकती है, कहते जो बंसुरी की आवाज कैसे जैसे गड़गड़ 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 जैसे शब्द होता है। इतने में मयूर तो अपना पंख खुला करके खोल करके थिरक थिरक करके मयूर नाचना शुरू कर दिया। अभी जब कोई नृत्य करे ना, जैसे हम 10-20 रुपया लेकर के ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके देते हैं, अभी मयूर तो बड़े खुश हो गया, कन्हैया आज बंसुरी बजाए, बड़े सुंदर नृत्य की, अभी कृष्ण को तो कुछ देनी चाहिए। बोले मेरे पास में क्या पंख ही, तो मेरे पास में कुछ है नहीं। इतने में मयूर अपना पंख को झाड़ देता है, झाड़ने पर एक मयूर पंख गिरता है, गिरने पर वो प्रेम का उपहार कृष्ण कहाँ लगाएंगे, उठा करके अपना सर पर लगा देते हैं। इसलिए बराहा पीडम नटवर बपुहु, बोले कृष्ण का रूप कैसे है, बोले नटवर है, नटवर मतलब क्या, शंकर जी को बताया ये नटराज है, लेकिन कृष्ण कौन है, बोले ये नट का बर मतलब शंकर का भी जो पति श्री कृष्ण है, इसलिए बोले रमात्री गिरी रमात्री अंग्री, इसलिए कहते हैं कृष्ण कौन है,
बोले शंकर और श्री रमा मतलब लक्ष्मी का भी जो पति है कौन, बोले कृष्ण है। इसलिए मानव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते कृष्ण जब बंसरी बजाते हैं उसी समय भी उनके अंगुल भी है, उनका अंगुल भी नृत्य करती है, कान का कुंडल भी नृत्य करता है, गले की हार भी नृत्य करता है, कृष्ण का वस्त्र भी नृत्य करता है, और उनको जो देखते हैं ना वो भी नाचने लग जाते हैं, उनको जो दर्शन करते वो भी नाचने लग जाते हैं। बोले नटवर बबू, बोले कर्णयो कर्णिकारम, बोले दो कान है लेकिन केवल एक कनियरी पुष्प धारण करते, बोले क्यों, बोले उनका अढ़ल पड़े हैं, कभी इस कान से लेकर इधर, कभी इधर लेकर के इधर। और कृष्ण जब गैया चराने के लिए जाते हैं गोपियों को तो बता ही नहीं सकते आज मैं किधर जाऊंगा, इसलिए कृष्ण जिधर जाएंगे ना वो कनियर फूल को लेकर उधर उसी कान में लगा देते हैं, बोले गोपियां इस तरफ भी चले आना, इसलिए ऐसे करके दिखा देते आज हम इधर गैया चराने के लिए जाएंगे। बोले कर्णयो कर्णिकारम, बोले बिभ्रत वास कनक कपिशयम वैजयंती चमालम, कहते कृष्ण का वस्त्र कैसे हैं, कहते पीतांबर पहने, बोले क्यों, बोले राधा रानी का रंग तप्त कांचन गौरांगी, मान राधा रानी को प्रति इनके प्रेम को प्रकाश कर रहे हैं, और गले में कभी पांच रंग की माला, कभी सात रंग की माला को गले से लेकर के चरण तक उसको धारण करते हैं। कहते कर्णयो बिभ्रत वास कनक कपिशयम वैजयंती चमालाम, बोले रंध्रन बेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदय, क्या करते हैं, बोले सुंदर मीठी मीठी कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, बोले बंसुरी नहीं मानो अपना अधरा मृत को उन्होंने बंसी में, अपना अधरा मृत को उसमें भर देते हैं। इसलिए कभी कभी गोपियां राधा रानी कहती हैं, बोले अगली जीवन में तो हम राधा गोपी नहीं बन करके आएंगे, आएंगे तो ये बंसुरी बन करके आएंगे, बोले क्यों, बोले देखो कृष्ण गोप हम गोपी, कृष्ण की अधरा मृत में हमारी अधिकार, लेकिन ये बंसी तो हमें अंगूठा दिखा दिखा करके हमारे अधिकार को छीन रहा है। कृष्ण का अधर कितने सुंदर, बिंबधर बिंब फल जैसे सुंदर लेकिन लाल, लेकिन देखो ये बंसुरी सारे रस को चूस चूस करके कृष्ण का अधर कैसे नील बन गया है। इसलिए चलो हम पूर्णमासी को पास में जाते हैं, हम ये पूछेंगे ये पूर्व जन्म में इसे क्या तपस्या किया, इसी जीवन में ये बंसुरी बन करके आए, अगली जीवन में हम बंसुरी बन करके आएंगे, कृष्ण कभी अधर में कभी कमर में कभी हाथों में उनको धारण करते हैं, और जब बंसी बजाते हैं कैसे ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, इसलिए इसलिए कहते कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे बंसुरी बजाते हैं, उनको उदाहरण देते हैं जैसे एक राजा महाराजा की सेवा हो रही है, जैसे किसी राजा किसी डल्लव गति को पर शयन करता है, कृष्ण का अंगुल नहीं, कृष्ण का अंगुल माना डल्लव गति, तकिया क्या है, कहते अपना अधर ही तकिया है, कहते इनका अंगुल को ऊपर चलाते ना बंसुरी को ऐसे ऐसे, कहते ये से नहीं, कहते मानो कृष्ण का चरण को सेवा कर रहे दबा रहे हैं, बोले कान में जो कुंडल, बोले कुंडल नहीं, जैसे राजा महाराज का सर को ऊपर छत्र धारण करते हैं, कहते आंखों का जो पलक झपकती है, बोले पलक नहीं, जैसे किसी राजा महाराज को ये उनको भावा करते हैं। देखो ये बंसुरी ने क्या सौभाग्य किया, कृष्ण कभी उसको नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वृंदारण्यम सुभद्र रमणम, देखो ये वृंदावन का धाम को तो देखो तो देखो तो सही, ये वृंदावन धाम की कितने महिमा, कहते हर अवतार में भगवान अपना पादुका धारण किए हैं, लेकिन कृष्ण ही ऐसे एक अवतार है जो कभी पादुका धारण नहीं किए। कृष्ण जब चलते थे, जब पंगड़ उम्र धीरे धीरे उम्र बढ़ा, कृष्ण जब चलते हैं ये पृथ्वी के ऊपर में कृष्ण का जो चरण के उणे से चिन्ह है, पूरा के पूरा ये पृथ्वी अपना वक्ष स्थल के ऊपर में कृष्ण का चरण छाप की धारण करता है, हैं? और कहते जे घास, बोले घास नहीं, जैसे प्रेम में इनका शरीर रोंगट जैसे खड़े हो गए, बोले जो झरना, बोले झरना नहीं, प्रेम में मानो ये श्री गिरिराज गोवर्धन भाई ये पृथ्वी अपना आंखों से आंसुओं की झरी बहा रहा है। इसलिए कृष्ण जब चलते हुए जा रहे हैं, इसलिए उसी समय में कृष्ण को साथ में सखा लोग भी, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, इसलिए उनको साथ में जय जयकार करते हुए चलते हैं कृष्ण को साथ में। इसलिए गोपियां कहती हैं अखो नताम फल मिदम नपारम विदम, मतलब और ये आंखों का सार्थकता किसी में है, बोले आंखों का सार्थकता केवल एक चीज में,
किस चीज में? केवल जब कृष्ण दर्शन करते हैं। इसलिए गोपियां कहती अरे घर में बैठे बैठे कर जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो, अरे चलो ना। बोले कहाँ चलो, कहाँ चलो? बोले से वृंदावन में चलो कृष्ण के सौंदर्य को दर्शन करने के लिए। वहां पर कहते हैं सुतास्त सुतस्य इसे सुतयो, वहां पर रणु बेणु जुष्टम कहते कहते तू भाई कृष्ण को दर्शन करने के लिए जाना चाहते हो, लेकिन जब दर्शन करने के लिए जाओगे तुम्हारे सास ससुर है ना, कृष्ण के साथ में तो शादी हुई ही नहीं, तुम दर्शन कैसे करोगे? तब वहां पर कहते हैं, वहां पर श्लोक में कहते हैं श्लोक क्या है, प्रणु बेणु जुष्टम मुक्त कटाक्ष मत्स्यम, इसलिए कहते कटाक्ष मोक्ष्यम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं लेकिन कृष्ण का जब एक कटाक्ष, कृष्ण के जब एक तरह चितवन में जब कृष्ण एक बार दर्शन करेंगे, उनका दर्शन नहीं तीर जैसे हैं। साधारण व्यक्ति का बात छोड़ दो, उनकी कटाक्ष को पा करके बड़े बड़े ज्ञानी भी, बड़े बड़े जोगी भी, सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी, चतुसन जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी अपना ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके उन्होंने भी कृष्ण के प्रेम में डूब जाते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ तीन अर्थ बताए, सुतास्त सुतस्य सुतयो। कहते ये आंखों का दर्शन किसमें? बोले जब कृष्ण बलराम जब बंसुरी बजाते, कहते ये एक साधारण अर्थ। दूसरा अर्थ बताए अणु, कहते अणु मतलब पहले तो बलदेव प्रभु जाते हैं और उसको पीछे पीछे कौन चलते? बोले कृष्ण चलते हैं। इसलिए ये आंखों का सार्थकता किसमें? जब केवल ये आंखों को द्वारा कृष्ण दर्शन करे। लेकिन जो मंजरियों का जो भाव है, उनका भाव है जब कृष्ण पहले बंसुरी बजाते हैं, फिर कृष्ण बजाने का बाद उसी बंसुरी को लेकर के जब श्री राधारानी जब बंसुरी को बजाते हैं, कहते ये मंजरियों का भाव है। जब वह रूप का जब दर्शन करेंगे तभी ये अखुनतना फलमिदम न पाराम विदाम, तभी आंखों का तभी सार्थकता। इसलिए यहाँ पर कृष्ण ने बड़ी प्यारी प्यारी लीला की। यहीं पर ही खेलन बने हैं जहां पर आप लोग हर साल सुनते हो, जैसे जटिला कुटिला ये क्या करते हैं, सब जगह में राधा रानी की निंदा करते हैं। जटिला कुटिला की ये सब जगह है राधा रानी ने निंदा करे, बोले ये राधा रानी की कर छे, बोले इतनी अभिमन्य संग ये कृष्ण संग ये कृष्ण राधा रानी लीला कर छे। अभी पूरा ब्रज में पूरा इनकी निंदा निंदा हो रही थी राधा रानी की। जब राधा रानी कृष्ण से मिले, बोले श्याम सुंदर ये ब्रज में मेरी बड़ी बदनामी हो रही है, सारा दुनिया कह रहे हैं मैं तेरे साथ में लीला करती हूँ। कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं ऐसे करूंगा पूरा ब्रज मंडल में अगर कोई सती हो ना, केवल तुम ही एक सती है, संपूर्ण ये बात को मैं प्रचार कर दूंगा। इतने में कृष्ण ने जान बूझ करके उन्होंने बुखार की लीला की और कृष्ण स्वयं ही एक वैद्य बन करके आए। बोले देखो नंद बाबा, आपका जो लाला है ना, इनकी बुखार साधारण दवा से सही नहीं होगी। बोले कैसे होगी? बोले अगर कहीं ब्रज में कोई सती नारी हो, अगर वह जिस कलसी में हजार छेद हो, जिस कलसी में अगर वो कलसी में जमुना से अगर पानी भर करके लाए, वो पानी से अगर कृष्ण को अभिषेक होना, तभी तुम्हारी इसकी बुखार सही होने वाले। अभी ब्रज में वही वो काम को कर सकती हैं, जब कोई सती नारी हो वही केवल ही पानी इसमें भर सकती है और कोई नहीं। अभी जटिला कुटिला को बोले, बोले तुम तो तेरी बहू को खूब निंदा करती हो, कहते ब्रज में अगर कोई सती के, बोला हम दो भक्ति, कौन है? कहते हमारी बेटी और माँ, हम दो नहीं केवल सती और कोई सती नहीं। बोले तुम्हारी परीक्षा हो। अभी तेरे में जटिला कुटिला जब पानी भरने के लिए गए यमुना में, उन्हें कलसी डुबा करके जो ऊपर उठाया ना, उस पूरा पानी निकल गया, एक बूंद भी नहीं रहा। फिर तो पूरा ब्रज में बोले यही माँ बेटी सबसे बड़ी असती है, ये सबसे बड़ा असती ये जटिला कुटिला। अभी राधा रानी की नंबर आई, जब कोई फेल हो गए तब राधा रानी उन्होंने गई जा करके, बोले हे श्याम सुंदर वास्तव रूप में सती कौन है, असली सती कौन है? कदल असली सती वही है जो केवल कृष्ण को ही अपना जीवन में सर्वोच्च समझे, लेकिन जगत का जो सती है उसका इतना महत्व नहीं है। इसलिए बोले की बा जति सती की बा नीच जाती, जति हरि नाही भजे तबे जनमिया ब्रह्मिया ब्रह्मिया रौरव नर के मजे। भले ही जति हो भले ही सती हो, लेकिन अगर कृष्ण भक्ति नहीं करता है वो असती है, लेकिन वास्तव रूप में जो कृष्ण भक्ति करता है वो सती। इसलिए द्रौपदी कुंती तारा
मंदोदरी हैं, कहती ये पांचों को, कहती ये पांचों को सती मानी गई। बोले क्यों? हमारे कुंती की कितने पति थे बताओ? पांच। कुंती हमें द्रौपदी के कितना पति थे? पांच पति थे, लेकिन वो सती मानी जाती है। हमारे तारा को भी दो और मंदोदरी को भी दो, लेकिन इन्हीं को सती मानी जाती है। बोले क्यों? ऊपर से एक को साथ में शादी किए, लेकिन हृदय से केवल एक ही कृष्ण ही जिनका जीवन का सर्वस्व। इसलिए भागवत में बताया जीवा असती जो अपना जीवा को द्वारा कृष्ण कीर्तन नहीं करते हैं, कहते वो असती है। वो असती क्यों? जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्य दास। तो अभी राधा रानी बोले, हे श्याम सुंदर, अगर मैं तेरी सिवाय और जो दुनिया में किसी को अगर नहीं जानती हूँ तो मेरी लाज को बचाओ। इतने में राधा रानी हजार छत्र वाली कलसी को द्वारा उन्हें जब जमुना में पानी भरे और जब उन्होंने उठाया ना, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं निकला। जितने ब्रज में लोग थे ना, जोर से ताली बजाए, बोले श्रीमती राधा रानी की, सबके सब ताली बजाए। ब्रज में है राधा रानी की जय जयकार हो गया। अगर कोई सती हो तो श्री राधा रानी, फिर उसको द्वारा कृष्ण को अभिषेक हुई, कृष्ण सही हो। इसलिए यहाँ पर बहुत बहुत लीला, कृष्ण के जितने बिहार है सबके सब यहीं पर हुए। यहाँ पर कृष्ण के कृष्ण भक्त का सारे चरण धूलि पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ को प्रणाम करेंगे और ये स्थान से प्रार्थना करेंगे, कृष्ण यहाँ पर जो मधुर मधुर लीला की, एक दिन ये लीला हमारे हृदय में भी प्रकट हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।